आजकल सड़कों पर ऐसे वाहनों की भरमार है जिन पर लगी नंबर प्लेट्स में नंबर के साथ और भी बहुत कुछ लिखा होता है। किसी वाहन में पार्टी पद, किसी में जाति या धर्म को लेकर कुछ ना कुछ लिखा होता है। लोग इसे अपनी शान समझते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये चलन आम हो गया है, जिसे लेकर पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर इसे रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था और अब यूपी सरकार इस पर सख्ती दिखाने की तैयारी में है। देखिए इस रिपोर्ट में। वाहन पर जाति या पद लिखकर चलना बहुत से लोग अपनी शान से जोड़ कर देखते हैं। ये स्टिकर कई बार दबंगई का प्रतीक भी लगने लगते हैं। खास तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को दबाने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार लोग फैशन की वजह से वाहनों पर जाति लिखवा लेते हैं, लेकिन अब इसे लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। यूपी सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। अब गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इस तरह के वाहन सड़क पर दिखे तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को लगातार इससे संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ का पत्र मिलते ही इसे लेकर सक्रिय हुई यूपीए सरकार ने गाड़ियों के चालान और सीज करने की कार्रवाई को लेकर सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार शुरुआत में लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चला सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।